अनडिवाइडेड इंडिया का लाहौर, म्यूजिक लिटरेचर और कल्चर का शहर। एक बार का किस्सा है, इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट सिंगर्स में से एक श्री केएल सहगल का प्रोग्राम लाहौर में होने वाला था। भारी भीड़ जमा थी, लोग पागल हुए जा रहे थे सहगल साहब की एक झलक देखने के लिए। और क्यों ना होते, वो सिंगर ही नहीं बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे। अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। ऑर्गेनाइजर्स ने सहगल साहब को होटल में ही रुकने के लिए कहा, जब लाइट आएगी माइक चलेगा तब आपको बुलाएंगे। लाइट एक बार गई तो आने का नाम ही नहीं लिया। बहुत देर हो गई, लोग बेचैन होने लगे, शोर शराबा शुरू हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि लगा अब लोग टेंट उखाड़ देंगे और कुर्सियां फाड़ देंगे। ऑर्गेनाइजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भीड़ को काबू में कैसे करें। तभी किसी ने भीड़ में बैठे हुए एक 13 साल के बच्चे की ओर इशारा किया, बोला जब तक लाइट नहीं आती इसे स्टेज पर खड़ा कर देते, शायद लोगों का दिल बहल जाए, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और चारा भी क्या था, उस बच्चे को गाने के लिए स्टेज पर खड़ा कर दिया गया, एक ऐसे स्टेज पर जहां माइक नहीं था। वो बच्चा बहुत देर तक बिना माइक के गाता रहा। सुनने वालों पर ऐसा जादू हुआ कि वो भूल ही गए कि वो केएल सहगल को सुनने आए थे। पहली बार स्टेज पर बिना माइक के गाने वाला वो बच्चा अगले 40 सालों तक हिंदुस्तान में माइक के पीछे की सबसे शानदार और सबसे सुरीली आवाज बना रहा, मोहम्मद रफी साहब। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत थी, वो बोलता था तो एक रोशनी सी होती थी। रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए, 369 सॉन्ग्स 369। LP का पहला गाना रफी साहब ने गाया और रफी साहब का आखिरी गाना LP ने कंपोज किया, ऐसा था उनका साथ। इस जोड़ी का एक यादगार गीत सुनिए, सुन के आंखों में आंसू भराएंगे, क्योंकि ये गीत कभी मोहम्मद रफी ने गाया था, आज मोहम्मद दानिश गाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। चाहूंगा मैं तुझे, क्या बोले, सांझ सवेरे फिर भी कभी तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। फिर भी कभी अब
आवाज मैं न दूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.